91.1 FM का आप सुन रहे हो रेडियो की जान अरसलान को, और ऐसा भी जान के हमारे झांसी में हम आ चुके हैं। और हमारे झांसी में एक ऐसा कारनामा हुआ है, नामुमकिन को किसी ने मुमकिन कर दिखाया है। और कौन है वो, क्या उन्होंने किया है, आइए उनसे ही जानते हैं। गुरनीत, क्या किया है, कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, पूरा शहर सिर्फ आपकी वाहवाही कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है गुरनीत, कैन यू टेल द प्रोसेस आल्सो? नहीं पूछ रहा हूँ, धीरे धीरे आगे। तो सबसे पहले तो हम ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि ये आइडिया आपके दिमाग में क्लिक किया तो कैसे किया? माय फादर एंड एवरीबॉडी इन द फैमिली वाज रियली इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन द टेरेस, और दे वर ग्रोइंग इट ऑर्गेनिकली, और सरप्राइजिंगली उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। और तभी उन लोगों ने स्ट्रॉबेरी भी लगाई थी, और आई वाज रियली आई सजेस्टेड कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट इट ऑन अ बिगर स्केल व्हेन वी कैन। सो उसी से, बिकॉज इतना टाइम था लॉकडाउन में सबके पास रिसर्च करने का, यूट्यूब वीडियोस देखने का, कंसल्टेंट से जूम कॉल्स करने का, तो वो सब होता रहा उस समय। एंड देन बाय जब लॉकडाउन खुलने लगा तो अक्टूबर नवंबर के समय वी प्लांटेड मोस्ट प्लांट्स। तो एक लॉ की स्टूडेंट एकदम से ऐसा करिश्मा करके दिखाती है, तो कहीं ना कहीं मतलब कि आपकी फैमिली ने आपका सपोर्ट किया या आपसे कहा कि अरे ये सब क्या यार इसमें लगी हुई है? लॉकडाउन में मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ भी काम नहीं था, बिकॉज मेरे एग्जाम्स होने बाकी थे और वो डिले होते जा रहे थे, और तो मैं बेकर भी बन गई थी तब, तो फार्मर भी बन गई हूँ अब, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, और पूरे वर्ल्ड में ही सबका चेंज हुआ है, आई थिंक आइडिया डायरेक्शन एवरीथिंग, बट आई विल बी स्टिकिंग इन लॉ ऑफ कोर्स, बट दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट आई विल डू ऑन एंड ऑफ। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में स्पेशली बेटी का जिक्र किया और झांसी का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की ज़मीन पर ऐसा पहली बार हुआ है, तो कैसी मतलब कैसी खुशी हो रही है? आई वाज रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम दिल्ली दिस मॉर्निंग, और फिर मैंने न्यूज़ जब देखी तो उसमें था, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और बहुत ही खुश हूँ मैं इस चीज़ से। मेरी पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा प्राउड है, एंड दे आर रियली हैप्पी, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक दिस फॉरवर्ड, दिस वेंचर फॉरवर्ड, एंड डू रियली गुड फॉर द सिटी, फॉर द कंट्री ऑफ कोर्स। एक पिता के लिए सबसे प्राउड की बात ये होती है जब उनकी बेटी कोई कमाल कर दिखाती है, और वही कमाल इन्होंने करके दिखाया है। वैसे एक प्राउड मोमेंट ये भी है, कैसा लग रहा है मैं सामने खड़ा हूँ? बहुत अच्छा। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ में खड़ा हूँ जिसने झांसी की नहीं हमारे पूरे देश की शान बढ़ा रखी है। अगेन एंड अगेन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और सुनिए, सुनते रहिए शहर का फेवरेट रेडियो स्टेशन FM तड़का। क्योंकि ऐसा कारनामा करके दिखाया गया है, बुंदेलखंड की जमीन पर पहली बार स्ट्रॉबेरी आई है, और हैप्पी भाई आपका तो माशाल्लाह नाम ही हैप्पी है, और आपने पूरे शहर को हैप्पी कर दिया है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बहुत बहुत खुश हैं हम लोग पूरी फैमिली की तरफ से। सबसे पहले तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, उन्होंने आज जो खुशी हम लोगों को दी है और जो पहचान हम लोगों को आज मिली है, उसके लिए मैं जितनी भी उनकी तारीफ करूँ बहुत कम है। क्या बात। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था 17 जनवरी को, अगर वो नहीं करते तो आज हम इस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुँचते, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्या बात है। और रक्षा मंत्री जी ने जो कॉल किया आपको स्पेशली, मुबारकबादी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी मैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ आज, वाकई में एक ही दिन में इतनी सारी खुशियां जो है वो ऊपर वाले ने हम लोगों के लिए लिखी। माननीय रक्षा मंत्री जी ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब शुभकामनाएं दी, और आगे भी उन्होंने प्रोत्साहन का बहुत सारा आश्वासन दिया, उनको भी दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको हमारी तरफ से, आप यूं ही हमारे शहर का नाम रोशन करते रहे और देश और दुनिया तक हमारी स्ट्रॉबेरीज को पहुँचाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनते रहिए शहर का फेवरेट रेडियो स्टेशन FM तड़का। अपनी सुनो, अपनी सुनो।